हेलो गाइस, वेलकम टू आरके व्लॉग्स नेचर। आज हम जाने वाले सांगली टू कोल्हापुर। तो अभी हमें कृष्णा घाट के ऊपर, तो अभी हम यहाँ से कोल्हापुर के लिए निकल रहे हैं, तो लेट्स गो। और ये है हमारे सांगली का लाल परियों का घर, आई मीन एसटी स्टैंड। गाइज, ये है सांगली कोल्हापुर का हाईवे। तो कोल्हापुर जाते वक्त सबसे पहले आता है जयसिंहपुर, उसके बाद आता है हातकणंगले और उसके बाद आता है डायरेक्ट कोल्हापुर। फिलहाल हाईवे थोड़ा खाली है, तो हम आई थिंक एक घंटे में कोल्हापुर पहुंच ही जाएंगे। रोड पूरे खाली है, तो रोड जब खाली होता है ना और रोड अच्छे होते हैं ना, तो मोटो व्लॉग करने में भी मजा आता है। मोटो व्लॉग करने का स्वाद रोड अच्छे होने के बाद ही होता है। बेसिकली यहाँ पे तीन रास्ते हैं जो अलग अलग मंजिल पे जाते हैं। जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो जाता है मिरज, और जो पीछे वाला रास्ता है वो जाता है सांगली, और जो आगे वाला रास्ता है वो जाता है हमारे मंजिल पे। तो अभी हम सांगली को छोड़कर जयसिंहपुर के एरिया में इंटर कर चुके हैं। तो ये है जयसिंहपुर, वेलकम टू जयसिंहपुर। और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हमारी मुलाकात हुई पंचगंगा रिवर से, जो कि बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पे हमने अपने बाइक में पेट्रोल डाला और यहाँ से हम निकल पड़े अपने आगे के रास्ते पर। और जयसिंहपुर आते ही हमने जयसिंहपुर में सबसे फेमस टी स्टॉल से एक गर्मा गर्म चाय पी।
तो गाइस अभी हम लोग आ गए जयसिंहपुर के एसटी स्टैंड पर। Hey!
तो ये है हाथ कनिंग स्टैंड। यहाँ से कोल्हापुर सिटी बहुत नज़दीक है, आई थिंक 15-20 मिनट में हम लोग कोल्हापुर सिटी में जाएंगे। ट्रैफिक भी कम है उसकी वजह से। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कोल्हापुर सिटी में और अभी जो प्लेस है वो है तावड़े होटल। तो आपको पता होगा तावड़े होटल बहुत पॉपुलर प्लेस है कोल्हापुर में। अगर कोई पुणे या तो बॉम्बे से कोल्हापुर आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तावड़े होटल बोलते हैं। जो आप प्लेस देख रहे हैं ये है कावड़ा नाका, क्योंकि कोल्हापुर में अगर आपको होटल चाहिए या फैमिली रेस्टोरेंट चाहिए तो यहाँ पे कावड़ा नाका में आपको बहुत रेस्टोरेंट या बहुत होटल्स मिल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।